दोस्तों आज मेरे भाई का जन्मदिवस है। आज 30 का सर हो 25 पच्चीस सोलह गया। और भाई का जन्मदिवस तो माँ को याद है पर मेरा कभी नहीं रहता है, मतलब माँ को डेट ही पता नहीं है। आज मेरा भाई हो गया 25 साल का, तो सुबह से टाइम नहीं मिल पाया। अभी नहा धो के एकदम क्रीम पाउडर लगा के हम आ गए हैं बिल्कुल कैमरे के आगे, मेरा भाई यानी कि। तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रातः। तो दोस्त हाँ देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया करके रोहित लिंगुड़े भी ला गया है। दोस्तों यहाँ से देखिए आप लोग, बहुत ही ज्यादा आफत आ गई है आज काम पे। काम ये है कि फाउंडेशन डाली जा रही है। तो चलिए दोस्तों कुछ काम करने से पहले एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपसे दोस्तों का मेरी इस प्यारी सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से और इन खूबसूरत नज़ारों से देखिए दोस्तों आसमान में लगे हुए हैं घने बादल। तो आज मौसम इस प्रकार से है कि बादल लगे हुए हैं और बारिश तो रात को हो रही थी पर अभी है नहीं, बाकी बिल्कुल से अच्छी से भी थोड़ी देर पहले धूप खिली हुई थी फिर बादल लग गए हैं। तो मौसम तो बदलता रहता है। खूबसूरत वादियों के बीच देख सकते हो आप लोग प्यारा सा मौसम। देखिए दोस्तों सुबह सुबह भार वाले चूल्हे में खाना बनाना भी स्टार्ट हो गया है। अभी की टाइम पे माँ बना रही है रोटी और आज ला ली है फर्स्ट क्लास करके। का पहला पत्थर रखा गया है बहुत ही भयानक आफत। बीड़ा नहीं बोलना गा ताला, उसने बीड़ा नहीं लास्ट हम। और तो दोस्तों वहाँ से काम भी हो गया है शुरू और बुनियाद का पहला पत्थर। दोस्तों लगभग दिन की एक बज चुकी है और आज से घर का काम भी शुरू हो गया है। तो आज जो काम हो रहा है वो हो रहा है फाउंडेशन डालने का। तो सबसे पहले आज पूरे दिन भर मतलब फाउंडेशन ही खोदी है हमने, साथ में उधर की साइड पुस्ता डालने के लिए गट्टा भी डाल दिया है। तो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों पहले हमने यहाँ गट्टा डाला है क्योंकि ना यहाँ बहुत पक्का था तो इसलिए यहाँ गट्टा डालना पड़ा। बाकी उधर की साइड ना दोस्तों हमने फाउंडेशन खोदी है, उसके ऊपर अब चिनाई होगी। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को कल से चिनाई देखने को मिल जाएगी। दोस्तों लगभग एक बज चुकी हैं और सुबह से ना घर ही के काम पे बिजी था आज। तो सुबह से ना बहुत ही आफत आ गई है क्योंकि सुबह से हम लगे हुए थे घर के काम पे, फाउंडेशन खोदना मसाला बनाना ये सब हुआ है। अभी के टाइम पे लंच करने की बारी आ गई है तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आगे भी दिखाएंगे कि क्या क्या होता है। तो बने रहना, 8 से 10 दिन आप लोगों को सिर्फ घर की यही वीडियो देखने को मिलने वाली है कि घर में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी काम चल रहा है ना। तो देखते हैं दोस्तों, टाइम हो चुका है 5:40 और आज ना आपके भाई की ना बहुत ज़्यादा आफत आ गई है। सुबह से लगा था काम पे, तो काम पे लगने के बाद पता क्या हो गया दोस्तों, कि इतना ही ज़्यादा गर्मी हो गई आज, साथ में इतनी तगड़ी धूप लगी हुई थी। तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि अपने घर में जब काम होता है ना तो दोस्तों काम भी देखना पड़ता है। साथ में भाई था और माँ थी, मैं था, चाचा थे। तो मिस्त्री के साथ क्या होता है कि काम पे लगना पड़ता है। दोस्तों यहाँ से देखिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा आफत आ गई है आज काम पे। काम ये है कि फाउंडेशन डाली जा रही है, तो उसका काम चल रहा था फिलहाल। यहाँ से इतने पत्थर निकाल लिए ना कि बताऊँ कि कुछ जितने भी पत्थर इकट्ठे किए थे सारे पत्थर निकाल लिए हैं, बाकी कुछ कुछ पत्थर रह रखे हैं जिसको हम वहाँ लगाएंगे। देखिए दोस्तों माँ पी रही है चाय। तो आज है मेरे भाई का जन्मदिवस, तो माँ को याद नहीं था बोल, तो ऐसा क्या हो गया भाई? अच्छा साल हुआ भैया जी। तो दोस्तों माँ को दोस्तों ना अभी के टाइम पे माँ पी रही है चाय और आज मेरे भाई का जन्मदिवस है। मैंने अभी तक ना आपको अपनी वीडियो के माध्यम से नहीं बताया है क्योंकि ना सुबह से काम पे भी जीती है ना, तो माँ को बोल याद नहीं था बर्थडे। तो मैंने माँ को बोला आज है क्या, तो माँ ने क्या रिएक्शन था माँ का, क्या है बोला आज ऐसे तड़ी से। मैंने कहा कुछ तो है बल, आज है क्या? मैंने कहा कितनी तारीख है बल, बल मैंने कहा आज भाई का बर्थडे है बल, आज बोल 30 तारीख है ऐसे करके कनका दिला है एक्शन कर दिया। मीठी तो बोल के आज 30 तारीख छे ना। तो दोस्तों आज मेरे भाई का जन्मदिवस है। आज 30 का सर हो 25 पच्चीस सोलह गया। और भाई का जन्मदिवस तो माँ को याद है पर मेरा कभी नहीं रहता है, मतलब माँ को डेट ही पता नहीं है
तो कुछ आज कुछ झर पर बना देगी आज माँ की बना मतलब आज माँ बनाएगी पकौड़ी अब बैंगन गाढ़ा बैंगन सब्जी बड़ा बैंगन भरता और वो उन क्या बेसन उन तो पकौड़ा बना आलू रहा आलू भी नहीं छिने मोला पता पकौड़ा बना ऐसे करते हैं दोस्तों आज ना माँ बनेगी गर्मा गर्म पकौड़ी और उसके साथ गर्मा गर्म चाय है ना तो देखते हैं बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं आगे पता चलेगा अभी तो सब 6:30 का टाइम हो रहा है शायद। एक सामने देखिए आप चाचा जा रहे हैं मूला लेने के लिए खेत में ये देखिए ठीक सामने तो ये है साथ साथ में उनकी वीडियो भी बन रही है और मूला भी निकाल रहे हैं रोहित है साथ में तो हमारे गांव की जो ये धान की खेती है यहाँ मूला भी बो रखा है चाचा और देखिए साथ में चाचा जी ने ना फोन भी पकड़ा है निकाला। दोस्तों मेरी और माँ की जाने की तैयारी हो गई है अभी सड़क में जो हमारा सामान था ना ब्लॉक मतलब ईंट ऊंट थी उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं 450 ब्लॉक थे 450 में से 70 ब्लॉक तो हम ला गए हैं तो माँ आ रही है पीछे से और मैं भी जा रहा हूँ तो पहले उसको लेके आते हैं। दोस्तों अभी मैं ब्लॉक लेके आ रहा हूँ करीबन ये ब्लॉक है एक 12 से 15 किलो के बीच में 16 तो 16 किलो की एक ब्लॉक है तो दोनों ब्लॉकों के मिला के यानी कि 32 किलो तो बहुत ही भारी है उठानो भाई। दोस्तों अभी के टाइम पे ना बर्थडे बॉय आ गया मेरे सामने तो मेरा भाई यानी कि तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राता। तो दोस्तों आज मेरे प्राता का जन्मदिवस है यानी कि भाई का जन्मदिवस है कल समझो आज 25 तो दोस्तों आज मेरा भाई हो गया 25 साल का तो सुबह से टाइम नहीं मिल पाया अभी नहा धो के एकदम क्रीम पाउडर लगा के हम आ गए हैं बिल्कुल कैमरे के आगे तो शर्माता हुआ जा रहे तो आज भाई की तरफ से है पार्टी आप लोग भी जरूर आना 5 किलो चिकन। तो फोन को देख के ऐसे भाग रहे हैं ना मतलब कैमरे को देख के ऐसे भाग रहा है तो इसकी तरफ से आज पार्टी तो देखते हैं क्या क्या है बाइक बगने के लिए चाहिए भाई दे दी यार पार्टी दे दी यार भाई जी पैसे दे दी 10 रुपया भाई जी दे दी 10 रुपये दे दी पार्टी खानों को देख ले दोस्तों। तो रोहित भी चढ़ चुका है सीधा ऊपर लिंगोड़ा लेने के लिए भाई नहीं तोड़े अम पुतियानो मैं माम बोल दूंगा भाई मेरा माम बोल देना तो लिंगोड़ा तोड़ी अम पुतियान छाओ तो इसे देखे दोस्तों ये तोड़ रहा है लिंगोड़े बहुत ज़्यादा छिन यार ठीक सामने ये है बीच खेतों के में तो यहाँ ऊपर अखरोट का पेड़ है उसके ठीक नीचे यहाँ पर बिजाम चाहिए डॉन इन डोर तो यहाँ देखिए दोस्तों कद गल है बहुत ज़्यादा लगे भाई तू यहाँ देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया करके रोहित लिंगोड़े भी ला गया है आज ज़्यादा यहाँ मतलब पत्ती से डॉन ही नहीं रहा। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं आया हूँ सड़क में वीडियो अपलोडिंग करने के लिए पीछे भाई और रोहित आ रहे हैं तो कुछ देर पहले ब्लॉग्स आ रहा था उसके बाद सीधा सड़क में घूमने के लिए और साथ साथ में वीडियो अपलोडिंग करने के लिए तो आजकल क्या हो रहा है टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रही है वीडियो डालने की तो क्या होता है ना वीडियो कभी 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे ऐसी आ रही है लेट में पर आप लोग जरूर देखना वीडियो को और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और चैनल में नए हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना आपको तगड़े ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। इनको देखिए पीछे से मैच देखते आ रहे हैं ये दोस्तों मैं भी मिलने आया हूँ दादी जी को साथ में हमारी चाची जी आ रखी हैं दिल्ली से तो दादी कन तबीयत पानी खूब नीचे तो लगातार दादी जी बीमारी रहती हैं दोस्तों पर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ना आपको दिखाता रहता हूँ हैं तो आजकल ना चाची जी भी आ रखी हैं दिल्ली से फिलहाल कुछ टाइम पहले दादी जी चाची लोगों के साथ दिल्ली में थी जिन्होंने उनका अच्छे से ध्यान रखा था और कुछ टाइम पहले दादी जी इतनी गोरी हो रखी थी ना अब दादी काली हो गई दिल्ली का पानी हर किसी को गोरा कर तो यहाँ पर मैं मिलाता हूँ आपको चाची जी से जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है हाँ सब बढ़िया हाँ हाँ तो यहाँ देखिए चाची जी का दोस्त एक चैनल भी है पहले शिव हरि भजन के नाम से था हाँ हाँ पहले चाची जी का ना चैनल था शिव हरि भजन के नाम से अब उनका चैनल का नाम है भंडारी ब्लॉग्स जिसमें अपने डेली लाइफ स्टाइल डालते हैं तो मिलाते हैं थोड़ा तो हेलो चाची आप बहुत बहुत स्वागत मेरा चैनल माँ तो दोस्तों ना चाची जी 4-5 दिन पहले घर आ गई थी फिर अपने गांव गए इस बीच मुझे टाइम नहीं मिल पाया है दादी है ना
इस बीच दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पाया है वीडियो में उनको लेने का, तो अभी के टाइम पे आया हूँ। तो चाची जी कनका लो आप तो गौरव है की बहुत अच्छा लग रहा है यार, हमें गाँव बता हमें तो जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें मजबूरी है जाना पड़ेगा। अरे एक हफ्ता 10 दिन हो गया हमें बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि दिल्ली में जाएंगे ना इतनी गर्मी चिपचिपाहट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन मजबूरी है जाना तो पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, नौकरी है क्या करें। तो आ जाओ गाइस चाय पी लो, ये साथ में हम जलेबी खा रहे हैं, आप भी खा लो और हम इसको भी खाएंगे खिलाएंगे दगड़े ब्लॉग को। तो दोस्तों ना हमारा रिश्ते में बेटा भी है चाची बोलता हमें, और साथ में हम एक दूसरे का यूट्यूबर भी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट धन्यवाद करते हैं हम लोग। तो इन्होंने मुझे जलेबी दे दी है, कुछ हम दोनों को सपोर्ट करना आप सभी लोग, देखना हमारा ब्लॉग। तो दोस्तों ना कुछ टाइम पहले तो दोस्तों ना एक बात बोलूं, मुझे सबसे अच्छी बात लगी जब भी मैंने हर किसी से सुना है कि जब भी दादी दिल्ली या देहरादून दो जगह रही ना, तो इस बीच दादी ने कुछ नहीं मेरे ब्लॉग देखे है ना, सुबह उठते ही महेश लगा दे, शाम होते ही महेश लगा दे। अब तो हमारा टीवी वाला ब्लॉग भी बंद हो गया, पता हम मोबाइल में देख लेते हैं, दादी के लिए हम टीवी में लगा देते थे। बस महेश का ब्लॉग बता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ना दोस्तों चाची जी की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी दिल्ली आर के पुरम में, मैंने एक रील्स बनाई इसमें कि इनके कमरे में पानी घुस गया था, तो इसके बारे में थोड़ा चाची जी बताइए हमें क्या क्या हुआ सीन। अरे यार क्या बताऊँ मैं क्या हुआ, पानी हमारे ना जो घर के आगे के नाले थे ना बंद हो गए, और जितना पानी हम बाहर कर रहे वो अंदर को होता जा रहा है, इतना पानी भर गया था हद से ज्यादा परेशान हो गया। फिर अभी भरा बीच में भी, अभी लड़की का फोन भी आया कि मम्मी पानी भरा, पर इतना नहीं भरा जितना ऊपर भरा था। तो इसने दगड़े ब्लॉग वाले ने मेरी वीडियो देखी तो उसमें भी एक रील्स बनाई थी मैंने, दिल्ली वाले बोलते हैं पानी नहीं है, कभी बोलते हैं पानी है, इस पे बनाई थी तो दादी तुम्हें ठिका तुम दिल्ली बड़े जल्दी घर आएगी। तो इनको जरूर सपोर्ट करना, अपना चैनल बारह बस थोड़ा दगड़ दो। गाइस मेरा चैनल क्या है, भंडारी ब्लॉग्स, भंडारी ब्लॉग्स है, मैं आगे भी भूल गई क्योंकि बहुत दिन से मेरे ना वो नहीं पड़ रहे वीडियो। दूसरा पहले इनका सी भरी भजन के नाम से था, सी भरी भजन के नाम से था, अब मैंने चेंज कर दिया, अभी उसमें केवल आपको लाइफ स्टाइल दिखाई देगी ना। तो दोस्तों के ब्लॉग देखना मैंने बना रखे हैं यहाँ के भी और अपने, मैं दोस्तों आईडी मेंशन कर रहा हूँ और आप लोग जरूर देखना। तो है ना दादी, बस दादी जी आशीर्वाद है, बहुत जल्दी तुम और गुचमू मीठ हो जा लेना, तो बहुत जल्दी दादी जी का ना मुँह मीठा हो जाएगा अगर भगवान की कृपा बनी रहे तो। गाइस ये ना हमने शकल नहीं दिखा था, ये चला गया बस।